पति पत्नी और वो, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब मैं बात करता हूँ पति पत्नी और वो, तो आपके दिमाग में आता है पति पत्नी और वो बाहर की एक लड़की या बाहर की एक स्त्री, और अभी मैं बात करता हूँ पति पत्नी और बाहर का एक आदमी, इसके बारे में। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। मुंबई महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी पुरुष जो है ना, वो बायसेक्सुअल रहते हैं, और बायसेक्सुअल का मतलब ऐसा होता है कि उनकी शादी हो चुकी है और वो अपने पत्नी के साथ में रह रहे हैं, और वैसे ही वो होमोसेक्सुअल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, समलिंगी संबंध भी रख रहे हैं। ऐसे एक पेशेंट मेरे पास में कल आए, एक व्यक्ति आया, अभी उसको पेशेंट बोलना कि नहीं है तो तकलीफ वाले कार्यक्रम है। तो वो व्यक्ति ऐसा आ गया कि भाई उसको ठीक लगता नहीं है, टेंशन आता है, चिंता रहती है, ऐसा पीस ऑफ माइंड नहीं है, मन की शांति नहीं है, बेचैन रहता है। तो जब दिखा सामने तो ऐसा लगता है कि उसको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है। जब उसको डीप में मैं पूछते गया तो उसने बताया कि वो शादीशुदा आदमी है, उसको एक लड़का भी है 8 साल का, पत्नी वो और लड़का रहते हैं, और वो बॉम्बे में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, और ये मेरे पास में अकोला में आया क्योंकि अकोला के पास एक गाँव है, और वो गाँव में मूर्तिचापुर करके, और वो गाँव में उसका एक दोस्त है, और वो दोस्त जो है वो उसके साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी करता रहता है। अब ये जो है, ये दोस्त जो है वो भी शादीशुदा है, वो भी वही उसके उम्र का अप्रॉक्सीमेटली 41 साल का होगा, और दोनों भी 40 अप्रॉक्सीमेटली अराउंड डैट है, वो भी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है, मगर दोनों होमोसेक्सुअलिटी मतलब बायसेक्सुअल भी है, और दोनों मिलते भी है। जब वो मेरे हॉस्पिटल में आया तो उसने बोला कि देखो वो बाहर ही खड़ा है, वो मेरे को लेने के लिए आया हुआ है कि जब मैं बॉम्बे से आ गया हूँ तो अभी मुझे ये लेकर जाएगा। मतलब ये कहाँ जाएंगे, बोले हमारे घर पे जाएंगे मूर्तिजापुर में। मतलब फिर आपके घर में, बोले मालूम है, बोले मेरे मतलब उसके पत्नी को मालूम है कि हमारा ऐसा ऐसा है करके। मगर वो बोलते कि ठीक है, अभी जो है वो है, कोई लड़की के साथ में बाहर कोई वेश्या के पास में या कोई रखेल रखी है ऐसा तो नहीं है, कम से कम आदमी रखा हुआ है, और वो कभी कभी 2-4 महीने में जाते तो जाने दो, कम से कम मुझे बेटा मतलब उसको बेटा है, तो बोलती भाई मुझे बेटा है, मैं कहाँ जाऊँगी। मतलब उसने वो एक्सेप्ट कर लिया कि अपना पति जो है वो होमोसेक्सुअल एक्टिविटी करता है, घर में बाहर के उसके दोस्त को मुंबई से बुलाता है, लाता है, करता है, और ये भी यहाँ मूर्तिजापुर से बॉम्बे जाएगा, 2-4 महीने में एक बार जाते हैं, 2 दिन साथ में रहते हैं, 2 दिन एंजॉय करते हैं, और फिर अपने अपने काम में अपने अपने फैमिली में रहते हैं। उसके वाइफ को भी मालूम है, इसके वाइफ को भी मालूम है। मतलब इस तरह का ये जो है, ये चौकड़ी है जिनको चारों को मालूम है कि ऐसा हो रहा है करके, और ये चौकड़ी में चारों को भी मालूम है, और मगर बाहर किसको मालूम नहीं है। बाहर लगता है कि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही चाहते हैं एक दूसरे को, बहुत प्यार करते हैं दूसरे के ऊपर, मतलब बाहर ऐसे ही दिखता है, मगर मेरे जैसा आदमी है दोनों को देखेगा और इतना प्यार देखेगा तो मुझे पहला लाइट लगेगा कि इनका कुछ ना कुछ कार्यक्रम चालू है करके। तो ऐसा होते रहता है कि बहुत लोग बायसेक्सुअल रहते हैं, और बायसेक्सुअल में वो पत्नी के साथ में तो करते ही करते हैं, और उसके साथ साथ वो होमोसेक्सुअल एक्टिविटी भी करते रहते हैं। अब ये जो आदमी था, ये इसका फिक्स था, इसका कोई भी आदमी के साथ में जाएगा नहीं, कोई व्यक्ति के साथ में ऐसा कोई ग्रुप में नहीं है, होमोसेक्सुअल के ग्रुप है उसमें नहीं है, फेसबुक के ऊपर वो एक दूसरे को इशारे करते हैं, उनके कोई कोड लैंग्वेजेस है, कोई व्हाट्सएप के ग्रुप है उसमें चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसका। ये बाहर किसी के साथ में भी करता नहीं है, इनका दोनों का ही चलते रहता है। होमोसेक्सुअल में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मगर अभी प्रॉब्लम कौन सा आ रहा है कि अभी उसको कुछ ना कुछ अंदर से लग रहा है कि अपन ठीक नहीं कर रहे। मतलब ना वाइफ का प्रॉब्लम, वाइफ में बोले होते झगड़े, झंझट झगड़े होते रहते, मगर वाइफ ने दोनों के वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया, मगर उसको खुद को अभी उनका मन खा रहा है कि नहीं अपन ठीक नहीं कर रहे, ये अच्छा नहीं है, ये मैंने ठीक नहीं है, ये मैंने करना नहीं चाहिए। फिर कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि उसने फ़ोन से बात करते चैट करते उसमें उनको मज़ा आती है, फिजिकली नहीं आए तभी फ़ोन पर चालू रहता है, तो फिर कभी उसने फ़ोन नहीं उठाया तो जैसा एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रहता है वैसे उनका रिश्ता है कि उसने फ़ोन नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया, मेरा फ़ोन उसने उठाया नहीं क्यों, उसका और कहीं लग गया क्या, ये ऐसा हरदम एक दूसरे के ऊपर शक करना, और किसी के साथ में तो लगा नहीं है और कहीं तो ये करता नहीं है, और करता भी होगा तो उसको डर है। मैं बोला अभी आप कंडोम वगैरह वापरते कि नहीं, बोले नहीं वापरते नहीं है, बोले अभी वो करना ज़रूरी है समझो, और किसी के साथ में इसका होगा दूसरे पार्टनर का और आपको बीमारी लग गई तो आपकी औरत को लग जाएंगी उधर, मतलब आपको केयर लेना बहुत ही ज़रूरी है। फिर मैंने उसको बोला कि भाई आप ऐसा करो, ये बंद क्यों नहीं करते, बोले इतना एडिक्शन हो चुका है कि रहा नहीं जाता, 2-3 महीने में लिटरली विड्रॉल सिम्टम आते हैं,
ऐसा लगता है कि कब जाऊँ एक बार और कब करूँ, एक तो वो बॉम्बे आएंगा नहीं तो ये मुर्दियापुर जाएंगा, और वो कर ही लेते, 2 दिन साथ में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरह का ये चौकड़ी है, और इसमें सबको सब मालूम है, बाहर के लोगों को मालूम है, भी मेरे को पांचवा है कि मुझे उन्होंने बताया, क्योंकि उनको मानसिक प्रॉब्लम हुआ करके, ठीक होना है तो ज़रूर हो सकते हैं। हम हिप्नोटिज्म सिखाते, हिप्नोथेरेपी, जो हिप्नोथेरेपी में हम विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाते, कल्पना चित्र खड़ा करना, और हिप्नोटिज्म से और कुछ मेडिसिन देखे जो एंग्जाइटी है वो ठीक हो सकती है, और हिप्नोटिज्म से होमोसेक्सुअलिटी का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, यदि वो प्रॉब्लम है ऐसा लगता है तो। ये दोनों खुश है, दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की कंसेंट है, और कुछ भी मानसिक शारीरिक प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो फिर हमने इंटरफेयर करने की ज़रूरत है नहीं। ये बीमारी नहीं है, मगर एक ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।